नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। मैं आ पहुंचा हूं बेंगलुरु, और बेंगलुरु आने का पीछे मेरा मकसद ये है। आप देख सकते हैं ये सोनिया गांधी का ये पोस्टर इसी ढंग के कांग्रेस के नेताओं और बाकी विपक्षी नेताओं के पोस्टर जो हैं पूरे बेंगलुरु शहर में आजकल आपको दिखेंगे। होना यह है कि 17 और 18 तारीख को यहाँ पर विपक्षी दलों की एक बैठक होने वाली है, जिसमें 24 पार्टियाँ जो हैं वो हिस्सा लेंगी। अब उनका प्रोग्राम के अनुसार बता दूं आप कि 17 तारीख को सोनिया गांधी इन नेताओं को, विपक्ष के जो भी नेता आएंगे उनको एक डिनर होस्ट करने वाली हैं। वहाँ पर चर्चा होगी। 17 तारीख को 6 बजे मीटिंग शुरू होगी, जो कम से कम 8 बजे तक चलेगी, और उसके बाद डिनर होगा, और डिनर पर भी राजनीतिक चर्चाएँ होंगी। उसके बाद 18 तारीख को सुबह से मीटिंग का दौर चलेगा, और वो करीब करीब 2:30 बजे तक होगा। उसके बाद लंच ब्रेक होगा, फिर लंच के बाद बैठक होगी, और 18 तारीख को 4 बजे एक साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है विपक्ष के सारे नेता मिलके करेंगे। 24 दल इकट्ठा होने के पीछे भी एक बहुत बड़ा कारण दिया जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 की तैयारी के लिए 24 दल एक साथ जुटे हैं, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली बार आप कह सकते हैं कि सोनिया गांधी की एंट्री जो है विपक्षी दलों की बैठक में हुई है, क्योंकि पिछली बार जब पटना में मीटिंग हुई थी उसमें सोनिया गांधी नहीं थी। अब गांधी परिवार और बेंगलुरु का, या कहें कि कर्नाटक का अपना एक रिश्ता है। आपको बता दूं कि इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के बाद सबसे पहले चुनाव लड़ने के लिए कर्नाटक के चिकमंगलूर को चुना था, और सोनिया गांधी ने जब ये तय किया कि वो राजनीति में एंट्री करेंगी तो उन्होंने बेलारी से पर्चा भरा था, और वो जीती भी थी वहाँ से। तो एक इतिहास है गांधी परिवार का और कर्नाटक का। एक बार फिर कर्नाटक को चुना है, बेंगलुरु को चुना है सोनिया गांधी ने। सोनिया गांधी के एंट्री होने से विपक्ष के इस बैठक में एक बात तो तय है कि जो लोग इस पे नज़र रखे हैं वो इस बात की चर्चा करने लगे हैं कि क्या कांग्रेस ने एक तरह से ये इशारा कर दिया है कि वो विपक्षी दलों के इस मोर्चे को लीड करने वाली है। क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा था कि शायद कांग्रेस थोड़ा पीछे चल रही है, क्योंकि पटना की मीटिंग में सारा फोकस जो था वो नीतीश कुमार के ऊपर था। इस बैठक में इस मोर्चे के नाम पर भी चर्चा होगी, इसका एक अध्यक्ष भी चुना जा सकता है, और इसके संयोजक के भी नाम की घोषणा हो सकती है, जिसके लिए शरद पवार या नीतीश कुमार जैसे नेताओं के नाम की चर्चा है। सोनिया गांधी के आने से एक बात और हुई है कि लोग एक बार फिर से UPA जैसी या 2004 जैसे गठबंधन की बात करने लगे हैं, क्योंकि उस वक्त भी जो है चुनाव के बाद एक गठबंधन बनाया था सोनिया गांधी ने, और लगातार 10 साल तक UPA पावर में रही थी। तो क्या 2024 में सोनिया गांधी 2004 का जादू दोहरा पाएंगी, ये अपने आप में सवाल है। इस बैठक में कई चीज़ों पर चर्चा होगी, जैसा मैंने बोला कि मोर्चे का नाम क्या हो, उसका अध्यक्ष कौन हो, उसका संयोजक कौन हो, और किन किन मुद्दों पर चर्चा की जाए। सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के अब हामी भरने से कि वो 17 तारीख के मीटिंग में शामिल होगी, एक जो एक खटास पैदा हो रही थी या फिर लग रहा था कि इसमें शायद केजरीवाल नहीं आएंगे, वो अब दूर हो गई है। अब जो है आम आदमी पार्टी भी इस बैठक में शामिल होगी, क्योंकि कांग्रेस ने कह दिया है कि दिल्ली में जो अध्यादेश लाया गया है दिल्ली सरकार के खिलाफ, उसके खिलाफ वो राज्यसभा में कांग्रेस वोट करेगी। तो अब ये बात तय हो गई है, 20 तारीख से संसद का भी सत्र शुरू हो रहा है। एक तरफ NDA जो है वो भी अपना कुनबा बढ़ा रहा है, तो उसमें भी बिहार की कई पार्टियां जो है वो शामिल हो रही हैं। जो NDA की आने वाली बैठक है उसमें उत्तर प्रदेश की भी एक पार्टी शामिल होने वाली है। तो अब विपक्षी दलों ने भी अपना कुनबा जो है बढ़ाकर 15 दलों से, जो कि पटना में शामिल हुए थे विपक्ष की मीटिंग में, उसको 24 कर लिया है। हालांकि इसमें कई दल हैं जिनका कि अभी एक सांसद भी नहीं है। अब सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा, विपक्ष का एक उम्मीदवार कैसे खड़ा किया जा सकेगा, ये काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चन है। इस पर जो है सभी नेताओं को एक दूसरे के साथ बैठ करके बातचीत करनी होगी कि मसलन पंजाब में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, जहाँ पर आम आदमी पार्टी के विधानसभा में सबसे अधिक विधायक हैं, लेकिन 13 में से 8 सांसद जो हैं कांग्रेस के हैं। तो उसी तरह जो है बंगाल में कांग्रेस के पास अभी केवल 2 विधायक हैं, और लेकिन एक राज्यसभा में सांसद था वो भी चला गया, 2 सांसद हैं लोकसभा में कांग्रेस के, तो फिर वहाँ पर कैसे गठबंधन किया जाएगा। इन सब चीज़ों पर गहनता से विचार की जाएगी।
एक चीज जो इन सभी नेताओं को जोड़े हुए है वो है कि ये सभी नेता विपक्ष के कहते हैं कि सेंट्रल एजेंसियों का दुरुपयोग कर उनको जो है सबक सिखाया जा रहा है, और यही एक चीज है जो सभी विपक्षी नेताओं को एक टेबल पर आने के लिए मजबूर कर रही है। तो क्या ये सभी विपक्षी नेता अपने अपने ईगो को दरकिनार करके एक टेबल पर बैठ करके कोई ऐसा स्वरूप तैयार करेंगे जो मौजूदा सरकार को या बीजेपी को टक्कर दे पाएगा? कई राजनीति के जानकार कहते हैं कि विपक्षी नेताओं को या विपक्षी दलों को इकट्ठा करना मेढक तौलने के बराबर है, एक रखोगे तो दूसरा फुदक कर चला जाएगा। या अभी तक यूपी की तो बात ही नहीं हो पाई है, यूपी में कैसे होगा कोई अलायंस? वहाँ पर 36 का आंकड़ा है, मायावती साथ नहीं है, उनको इस बैठक में वो नहीं आ रही हैं। टीआरएस या बीआरएस जो है वो उनको न्योता नहीं दिया गया है, क्योंकि वहाँ पर दिसंबर में कांग्रेस और बीआरएस के बीच विधानसभा में टक्कर होनी है। आम आदमी पार्टी से निपटना कांग्रेस के लिए एक चुनौती है कि क्या वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में वो चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लड़ेंगे तो कैसे होगा? तो ये सारे सवाल हैं जो काफ़ी गहन सवाल हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल हैं, और इन सवालों का उत्तर ढूंढना ही इन नेताओं के लिए एक चुनौती का काम होगा। देखते हैं इन नेताओं को इन सवालों के उत्तर ढूंढने में कितनी सफलता जो है हाथ लगती है। बहरहाल आप इस मीटिंग पर नज़र गराए रखिए, मेरी भी नज़र है, और हर पल पल की रिपोर्ट हम आपको इस मीटिंग की देते रहेंगे। पॉलिटिकल बाबा में आज मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए, नमस्कार।